एक्सक्यूज मी, न्यू हेवन जाने के लिए ट्रेन क्या यहीं से मिलेगी? हाँ, इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। थैंक यू। ठीक। ठीक है, 11:30 की न्यू हेवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सुपरवाइजर की एप्लीकेशन रद्द कर दी गई है। कोई बुरी खबर है क्या? नहीं। ओ हाँ, मुबारक हो। केन बीमार है, आज रात के आखिरी ट्रेन में तुम्हें ड्यूटी करनी होगी। आज रात? पर मेरी शिफ्ट अभी खत्म हुई है। लगता है तुम्हारी ट्रेन में सारे ईमानदार मुसाफिर ही चढ़ते हैं। तुमने 6 महीनों से एक भी जुर्माना वसूल नहीं किया। कहीं तुम जुर्माना वसूल करने से डरते तो नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे, चलो काम पर लग जाओ। कैसी हो जान? ठीक हूं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका गार्ड बोल रहा हूं। इस ट्रेन में आपका स्वागत है। ये ईस्ट्रा के लिए अल्फा ट्रैक सर्विस है जो 11:59 पर रवाना होगी, जो मॉसली जंक्शन, वुल्सकॉट, एचकोम्ब, एबिंगटन क्रॉस, विचफील्ड, क्राइस्ट चर्च, पैरक्स हिल, ओल्ड मिल्टन से होते हुए 1:48 को ईस्ट्रा पहुंचेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब टिकट जांच के लिए तैयार रखें। थैंक यू। टिकट्स प्लीज। ओके, थैंक यू मैडम। टिकट्स और पासेस दिखाइए प्लीज। टिकट्स प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, टिकट्स? मैं उठाता। कितना बदसूरत कुत्ता है। घटिया आदमी। टिकट्स प्लीज। थैंक यू मैडम। क्या? ओ हाँ, टिकट। एक मिनट। कोई बात नहीं। अजीब बात है, सुबह तक तो यही थी टिकट। आज सुबह से सब गड़बड़ हो रहा है, मिल नहीं रही। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो मुझे पूरा किराया लेना होगा। क्या सच में? मैं रोज इसी ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ। यही रूल्स हैं। वैसे आप कहाँ तक जा रही हैं? ईस्ट्रा। आपको 39 pounds देने होंगे।
थैंक यू। ओके, एक मिनट, मैं आपको अभी चेंज देता हूँ। सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू। ओके। टिकट्स प्लीज। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? हाँ। थैंक यू सर। कोई सही नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? सब अच्छा था। हाँ, बंदे बहुत हॉट थे। कल मेरा फोटो शूट है, करीबन 12 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगी। उसके बाद मैं घर जाऊंगी, वहाँ चेक करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। काश तुम भी साथ। टिकट्स और पासेस दिखाइए प्लीज। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली यार, जगह तो बहुत बोरिंग थी, पर वहाँ की पार्टी बहुत मजेदार थी। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? सच कह रही हूँ मैं। जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा पार्टी बहुत बोरिंग होने वाली है, लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ, बहुत एंजॉय किया। हाँ ठीक है, आप फोन बंद करेंगे, दूसरों को परेशानी हो रही है। ओके, वैसे भी यहाँ करने के लिए कुछ नहीं। मिस, जानते हो राइट? थैंक यू। हद हो गई, आदमी बहुत घूर रहा है मुझे। देखिए, आप जाने दीजिए। माँ, तो मैं क्या कह रही थी? सच में बहुत मजा आया था। हमारा टिकट। थैंक यू। ओके। टिकट्स प्लीज। थैंक यू सर। अपने टिकट दिखाएंगे प्लीज। थैंक यू। चाय कॉफी सर? नो थैंक्स। टिकट्स प्लीज। चाय या कॉफी? दिखाएंगे। नो थैंक्स। आप कुछ लेंगे सर? हाँ, मुझे चाय दे दीजिए। चाय? जी, ये लीजिए। थैंक यू। हेलो, कितने पैसे हुए? 185। ये लीजिए। पता नहीं था तुम ड्यूटी पर हो। हाँ, डबल शिफ्ट, इस महीने बचत की कुछ ज्यादा जरूरत है। अच्छा है, वैसे देव ने मेरे साथ भी यही किया है। अब भी जॉब छोड़ने की सोच रही हो? मैंने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं जिंदगी भर चिकन सैंडविच नहीं सर्व करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। नहीं। हाँ जी। मुझे कॉफी मिलेगी? जरूर। करना भी नहीं चाहिए। सॉरी, तुम्हारे प्रमोशन की खबर सुनी, डेविड ने बताया मुझे। ओह। लगता है उसने सबको बता दिया। ये तो उसकी पुरानी आदत है। खैर, जो हो गया वो हो गया, आगे कुछ और अच्छा होगा। वैसे तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम पैसेंजर्स के साथ कितने अच्छे हो, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। पता नहीं। एलन, मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी? आज नहीं, काफी देर हो चुकी है। हाँ, नहीं, शायद नहीं। और मेरी सुबह ड्यूटी भी है, तो इसलिए। अच्छा, ठीक। मुझे चलना चाहिए, लेकिन अगली बार के लिए तुम्हें गुड लक। बस यूं ही पूछ लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सुपरवाइजर के पोस्ट की बात कर रही थी। अच्छा, चलती हूँ। मुझे टॉयलेट जाना है। तुम यही हो ना? मेरे बर्गर का ध्यान रखना, बाकी आकर खाता हूँ।
झटके के लिए मुझे खेद है। शायद ट्रेन की पटरी पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमें ट्रेन रोकनी पड़ी। बहुत जल्द हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। ये झटका बहुत जबरदस्त था। आई एम वेरी सॉरी सर। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, पर ये सब क्या हो गया? इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। ये ओ, हाँ, नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं उठाता हूँ। थैंक्स। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। ये आपकी है? हाँ मेरी है, दो। वो भी मेरी है, शुक्रिया। जो तुम वहां जाके पैसेंजर्स को देख लोगे प्लीज? हाँ ठीक है, ओके। आप दोनों ठीक है ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ। ओके। आप सब ठीक तो है ना मैडम? आप ठीक है? हाँ हम ठीक है, पर हुआ क्या है? इसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को तो सीनियर सिटीजन का भी कोई ख्याल नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है सर, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं उठा लेता हूँ। तुम हटो, हटो, तुम बैठ जाओ। छोड़ो छोड़ो, तुम जाओ, मैं अकेले रख लूंगा। बहुत डर लग रहा है। बैठ जाओ सर, आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। कैसे पहुंचूंगी? सब ठीक है, शांत हो जाओ। मैम आप ठीक तो है ना? मुझे कॉल करना होगा, मैं मर सकती थी। क्या आप ठीक है मैम? मेरा फोन टूट गया होता तो तुम्हें नहीं छोड़ती। मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन आपको इस वक्त शांत होना चाहिए। मुझे हाथ मत लगाना, समझे? क्या आप ठीक है? क्या लगता है आपको, क्या मुसीबत है? क्या तुम ठीक हो? हाँ। ट्रेन आगे बढ़ेगी या नहीं? हाँ मैं बस ड्राइवर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। आप आराम से बैठे रहिए। आप ठीक तो हैं सर? मेरी बुक गिर गई। आपकी बुक गिर गई? अब ठीक है, एक मिनट रुकिए सर। आपकी बुक ये लीजिए। थैंक्स। पता नहीं मैं किस पेज पे था, मैं वो भी भूल गया। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, बस बैठे रहिए, शांत रहिए, ओके? हाँ। ड्राइवर, मैं गार्ड बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, देरी के लिए माफी चाहते हैं। ड्राइवर से खबर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद।
ये कहां से नीचे आ गया? क्या मुसीबत है, अब मुझे इसे बाहर निकालना होगा। मुझे अपना पेज मिल गया। इस ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। भाड़ में जाओ। मैं बाहर जाके धक्का लगाऊं? मुझे यकीन नहीं होता। जो मैंने खटखटाया लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा। इंटरकॉम पर भी जवाब नहीं दे रहा है। शायद तुम्हें पैसेंजर्स पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, शायद वो भी परेशान होंगे कि हो क्या रहा है। उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे दो, शायद शांत रहे। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जो है दे दो। पता चला हेलो हेलो हमारी ट्रेन में कुछ खराबी हो गई है। हम ईस्टब्रा पहुंचने ही वाले थे। मुझे लगता है हम थॉर्नटन फॉरेस्ट में कहीं हैं और हमारा ड्राइवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप बता सकते हैं हम क्या करें? ओवर।
हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली है। एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पेड़ गिरने की वजह से सिग्नल में फेलियर हो गया। हमारा वहाँ पहुँचने का वक्त लगेगा 4 घंटा। सॉरी, फिर से बताइए पहुँचने का टाइम? क्या कहा, 4 घंटे? तूफान की वजह से काफी पेड़ गिर गए। तुम्हारा मतलब हम पूरी रात इस बकवासी ट्रेन में बिताएंगे? तुम बताओगे ड्राइवर क्या कहता है, क्या वो इसे ठीक कर सकता है? ड्राइवर कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब वो इसे फिर से चला सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता, शायद। ये ट्रेन ठीक होगी भी या नहीं? सच क्या है, तुम बताते क्यों नहीं? मेरी अब तक उससे बात नहीं हुई है, उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। क्या? एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खुद पूछ लूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं, हम नहीं जानते वो कहाँ है। क्या कहा? तो तुम ये कहना चाहते हो कि ड्राइवर गायब है? ओह माय गॉड, वो वापस नहीं है। तो वो गया कहाँ? पता नहीं, मैं यही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हम जंगल में फंस गए हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसे चलाना जानते हो। मेरा मतलब इस ट्रेन को। नहीं, मैं नहीं जानता। तो रेडियो पर सुपरवाइजर से हेल्प मांगो। मेरे हस्बैंड को हाई ब्लड प्रेशर है, वो पूरी रात यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम बस अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करो। मैं शांत हो जाइए। तुम एक जिम्मेदार इंसान की तरह क्यों नहीं पेश आते? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है। शांत हो जाइए। शुक्रिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम यहां बैठ के हमारी शिकायतें दर्ज करते रहें, या फिर हम लोग खुद ही इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करें। जैसे क्या? जैसे अपने हाथ पैर हिलाए डुलाए और नीचे उतरकर स्टेशन की तरफ बढ़े। देखो, स्टेशन यहां से बहुत दूर नहीं होगा, 3 किलोमीटर होगा या फिर 5 किलोमीटर, और फोन का सिग्नल भी किसी स्टेशन पर ही मिलेगा। मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी। हाँ, और रुकिए रुकिए। नहीं नहीं, आप नहीं 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 कर सकते। सेफ्टी रूल्स के हिसाब से पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर रहना चाहिए, मदद आने तक। हाँ, मैं चाहूँ तुम और तुम्हारे रूल्स। ये रूल्स हैं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। ये बेहुदा नहीं है, मेरी नौकरी चली जाएगी। सर, आप बिना चाबियों के वहां से बाहर नहीं जा सकते। और इसकी चाबियां तुम्हारे पास है ना? हाँ। तो फिर दरवाजा खोलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। देखो, मेरी बात सुनो, हम पटरी के किनारे चलेंगे, हम सब साथ रहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सोचो मत, मान जाओ। अब तो बारिश भी बंद हो गई है। प्लीज कम ऑन। क्या? मैं सीनियर सिटिजन्स को ट्रेन पर नहीं छोड़ना चाहता। ओह, अगर तुम्हें हमारी फिक्र है तो सबकी बात मान लो, अब चलो भी। मेरे ख्याल से तुम भी घर जाकर चैन की नींद सोना चाहोगे। हा? प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज। अब चलो, जिसकी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है। अब देर मत करो, चलो आइए, चलो सब आगे बढ़ो, चलो 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 चलो। आराम से, कम ऑन, आ जाइए। हाँ, नीचे आ जाइए। बस उस तरफ चलना है, एक लाइन में चलते जाइए और एक साथ रहिएगा, सब वहाँ इकट्ठा हो जाइए। एक्सक्यूज मी, हाथ दीजिए ना। मदद करो, देख के धीरे से। वहाँ एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। सॉरी, मैं स्टेप पहले यहां था। पर है। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, मैं पहले जाऊँ। घबराइए मत, आप उतर जाएंगे। शायद नहीं उतर पाएंगे। आ जाओ, आइए, संभल के। थैंक यू। आप ठीक है? यहाँ एक रेल है, अपना पैर उस पर रखिए, ठीक है? आराम से, धीरे से आ जाइए। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो, अब तुम भी आ जाओ। तुम ठीक हो? थैंक्स। यू आर वेलकम। एक्सक्यूज मी, ज्यादा आगे मत जाइए। ठीक है, सब एक साथ रहिए प्लीज। देखिए, जरा संभल कर चलिएगा, मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो ट्रेन इतनी लंबी फौलादी पटरी पर भागती है क्यों? सब साथ रहिए। तुम्हारे पास टॉर्च भी है, क्या बात है। मेरा नाम नीना है। मैं बिली। Hey. फ्यूल लीक हुआ है। संभल के। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। काफी अंधेरा है, गिरोगी तो बहुत चोट लगेगी। एक लाइन में चलिए प्लीज। क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? शायद ये थॉर्नटन फॉरेस्ट है। आप दोनों ठीक है ना?
वैसे ये तो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। I'm really sorry। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन सब लोग जरा जल्दी चलेंगे प्लीज, हमें आज रात ही वहाँ पहुँचना है। इंटरकॉम पर भी कोई रिस्पांस नहीं है, मोटरमैन को भी पूछने की कोशिश की पर उसे भी तो पता नहीं है। ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। तुम्हारे फोन में नेटवर्क है क्या? नहीं है ना, मेरे फोन में नहीं आ रहा है, मुझे एक्चुअली कॉल करना है इसलिए। तुम जैसा कोई साथी हो तो बात ही क्या है, डरने की कोई बात नहीं, कोई हिरण या छोटा जानवर होगा, चलते रहो। चलो 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 चलो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? हाँ, पता नहीं कितना दूर होगा। क्यों इतना डरते हैं? मुझे लग रहा है वहाँ पर कोई है। कौन हो सकता है? हो सकता है वो ड्राइवर हो, पर वो झाड़ियों में क्यों गया होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सब यही रुकिए। पर तुम हमें छोड़कर जा कहाँ रहे हो? चेक करके आता। यहाँ क्या चेक करोगे? तुम हमें इस तरह नहीं छोड़कर जा सकते हो। संभल के गेड। क्या मुसीबत है। जो क्या है वहाँ? या। चलिए यहाँ से, वापस चलिए, वापस ट्रेन में चलो, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, आप चलिए यहाँ से, आइए मेरे साथ, चलो चलो जल्दी जल्दी ट्रेन में, वापस चलो, चलो चलो जल्दी चलो। क्या था वो? जो प्लीज फर्स्ट एड किट लेकर आओ, हमें खून को रोकना है और पानी भी। चुप करें उसको। मैं समझ सकती हूँ, प्लीज शांत हो जाइए। जल्दी लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ। हटो हटो, रास्ते से हटो। शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या करूँ, पानी डालो? खून बह रहा है, उसे रोकने के लिए कुछ कीजिए प्लीज। क्या करें? प्रेशर प्रेशर, कस के पकड़ो। कैसे खून रुक पाएगा? कुछ दिखाई दिया? पता नहीं क्या था। वहाँ देखो क्या हो रहा है। वो दरवाजा देखो बंद है ना, जाकर दरवाजे को चेक करो। जाओ उस तरफ देखो। वो क्या था? इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, शांत हो जाओ प्लीज। अरे कोई इसको चुप कराओगे? उसका मुंह बंद करो।
पानी। ये आवाज कैसी है? ओह माय गॉड, हम गए, नहीं बचे। हॉस्पिटल ले जाना होगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जो हमें किसी कुछ नहीं होगा, कॉल करना होगा। जो जल्दी करो, जो 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 जल्दी करो, जो हमें किसी को बुलाना होगा, किसी को कॉल करो, जो अभी अभी उठो उठो जो। ये ईस्ट ब्रस प्रिंटर सर्विस है, हमें मदद चाहिए। हेलो 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 हेलो, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो, ये काम कर रहा था। इंजन को रीस्टार्ट करो। मैं ट्रेन्स के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, इंजन्स, लॉन मोवर्स, डर्ट बाइक्स, मेरे डैड का रिपेयर्स का बिजनेस था। और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, फ्यूल लीक हो रहा है। शायद फ्यूल लाइन टूट गई होगी जब क्रैश हुआ था। हो सकता है टैंक में अभी कुछ बचा हो, पर बिना प्रेशर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्यूल लाइन को रिपेयर करना होगा। मैं जाकर बाकियों को बताता हूं। कर मदद का इंतजार करना होगा। देखिए, मेरी वाइफ को मेडिकल अटेंशन चाहिए अभी इसी वक्त। और अभी हम उस खतरनाक भालू की खुराक बनने वाले हैं। वो भालू नहीं था, भालू ऐसे नहीं चीखते। तो फिर वो क्या था? भेड़िया? भेड़िया ऐसा नहीं कर सकता। पर इस जंगल में तो सदियों से कोई भालू या भेड़िया नहीं दिखाई दिया है ना। तो किस जानवर ने इनका ये हाल किया? वो जानवर जैसा नहीं था, वो बिल्कुल एक आदमी जैसा था। जीनी तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो कोई जानवर नहीं था। ये अभी सदमे में है। उस मोटरमैन का क्या हुआ? बोलो, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? वो ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। क्या कहा? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं प्लीज, वहां मत जाओ। हाँ जाता हूं। Thank you.
तुम्हारे पास चाकू है? मेरे पास चाकू क्यों होगा? मुसीबत है, कहाँ फंस गया था? ये तो टॉयलेट का गंदा पानी है। कौन हो तुम? हमारी ट्रेन का एक पैसेंजर है, उठाओ इसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? वो आप कहना चाहते हैं कि बैरिक्सल पीछे छूट गया? तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही क्या? नेटवर्क नहीं है, वैसे भी यहां नेटवर्क नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे छूट गया मेरा स्टॉप? बस एक तुम्हारी ही कमी थी। शांत हो जाइए। घबराओ मत जेनी, सब ठीक हो जाएगा। इनकी हालत बिगड़ रही है। यह सदमा पहुंचा है। मैंने पहले भी कुत्ते के काटने के निशान देखे हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही है। एलन तुम बैठ जाओ, थोड़ी शांत रहो। बैठो। तुम यहां क्यों बैठी हो अकेली? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हम उनका ख्याल रख रहे हैं, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। कितना सारा खून बह गया। मेरी बेटी के पास भी ऐसे ही शूज हैं, कितने कूल है ना? थैंक्स। वो जल्दी से जल्दी बड़ी होना चाहती है। वो आजकल मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, कहती है अजीब लगता है। आप बहुत अच्छी हैं। मेरी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, यानी अब भी मेरा चांस है? क्या वो आपके लिए परेशान नहीं होगी? नहीं, मेरे घर लौटने के वक्त तक वो सो जाती है और वीकेंड्स पर वो अपने डैड के पास होती है। वो आ गया। अब ये क्या नई मुसीबत है? शायद कोई मदद करने आया है। आखिरी हो गया है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। ऊपर कौन है? शोर मत मचाओ। फोन बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? किसका फोन है? अरे किसका फोन बज रहा है? फोन उठाओ, जल्दी करो। मेरा नहीं है। फोन उठाओ, मदद मांगो। ओह माय गॉड,
मेरा फोन है। उठाओ, क्या कर रही हो? जल्दी उठाओ। हेलो, कौन है? मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कुछ तो है। उन्हें बताओ हम कहाँ हैं। जल्दी, यहाँ पर कुछ हो रहा है। लाओ मैं बात करता हूँ। उनसे कहो हमारी मदद करें। ठीक तो यार, लाओ मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ। मुझसे दूर। मुझे बात करने दो। मुझे लगता है वो चला गया। क्या था वो? क्या कोई मुझे बताएगा? हम वैसे ही बहुत परेशान है, अपना मुंह बंद रखो। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो मर चुकी है। हमें उसे बचाना होगा। पागल हो गई। मुझे उसे बचाना है। तुमने मुझे क्यों रोका? ये सब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। झूठ मत बोलो। उसे बचाना नामुमकिन था। मुझे जाने दो। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। सही बैठ के इंतजार कर रहे हैं उसका। नहीं जानता था ये सब होगा। हो गया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उससे लड़ना मुश्किल है। तो अब हम क्या करें? पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मैं इस ट्रेन में चढ़ा ही क्यों? बस करो। क्या तुम सब मरना चाहते हो? अगर ऐसा है तो यहीं बैठ के आपस में झगड़ते रहो। जल्दी ही वो शैतान यहाँ आएगा और आप सबका काम तमाम कर जाएगा। और अगर घर वापस जाने का इरादा हो तो फिर जल्दी ही कुछ करना होगा। वो खूंखार जानवर है और कुछ ही देर में वो हम सबको अपना शिकार बना डालेगा। और हमें देखो, हम यहां चुपचाप बैठे हैं। तो चलो कुछ करते हैं, इसके पहले कि वो हमें अपना शिकार बनाए, हम ही उसको मार डालते हैं। क्या इस ट्रेन में कुछ औजार हैं? तुम्हें क्या हुआ? आज कुछ ज्यादा ही बर्गर खा लिया, लगता है पेट खराब हो गया। ये इतना भी आसान नहीं, तुम जाओ। लाइए, मैं हेल्प करती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू। सुनो, आई एम सॉरी, मैंने पहले तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। दरअसल इस ट्रेन में मेरी जिंदगी का बहुत वक्त गुजरा है। मेरा भी यही हाल है। चेरी, पानी पी लो। अरे ये तो खाली है, आपके पास कोई पानी की बोतल होगी? जो, जो के पास आखिरी बोतल। ओके।
मुझे बताया गया है कि आपके पास पानी की बोतल है। हाँ, बिल्कुल। उसका नाम क्या था? किसका? उसका, वो लड़की का। मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी बच्ची है? हाँ, मेरी एक बेटी है जो 13 साल की होने वाली है। आपके? नहीं हुए, बस हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, और जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम बात यही है। थैंक यू। वेलकम। और हाँ, थैंक यू हम सबकी हेल्प करने के लिए। नो प्रॉब्लम। तुम एक बहुत बढ़िया इंसान हो। वो फिर वापस आएगा। क्या कहा? हमारा दोस्त लौट कर फिर से आएगा। शायद ना आए, थक गया होगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। कंट्री हाउस, बीवी बच्चे कुत्ता सब कुछ है, और फिर ये भी है, शहर में फ्लैट, 5 मिनट की दूरी पर ऑफिस, टावर ब्रिज से बढ़िया व्यू, जवान खूबसूरत लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए परफेक्ट। मैं स्मार्ट हूं, बीवी बच्चों को भी खुश रखता हूं और खुद को भी खुश रखता हूं। अच्छी सेटिंग है। करनी पड़ती है ऐसी दोहरी जिंदगी, कभी कभार जीनी पड़ती है, सही हो या गलत। इन लोगों को देखो, बूढ़े कमजोर डरे हुए, ये लोग पैदा ही होते हैं शिकार बनने के लिए, और जब वो दरिंदा लौटेगा और अंदर आ जाएगा तो या तो इनके साथ रहकर मौत का इंतजार कर सकते हो, या फिर चाबियों का इस्तेमाल करके दरवाजे खोल सकते हो, और फिर चांस है कि तुम और मैं यहां से जिंदा वापस लौट सकें। फैसला तुम्हें करना है कि जिंदगी चाहिए या मौत। सोचो इस बारे में। जेनी, ये क्या? जेनी, नहीं, क्या हो रहा है? तो हो ना? ये क्या हो रहा है? जेनी, ये क्या हो रहा है? जेनी, आखिर इन्हें हो क्या रहा है? इसे डॉक्टर की जरूरत है, ये बीमार है। पर इनके दांत क्यों गिर रहे हैं? अपनी बकवास बंद रखो। देखिए अंकल, मैं जो देख रहा हूँ बस वही कह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? जो एक पैसेंजर कम है। वो मोटा गायब है। इसने कहा था उसे बाथरूम जाना है। रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो तुम? वो गया। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे न, बस आराम से आराम से। जो कर रहा है यहीं रुको। जल्दी करना। हे, वो वहां कहां जा रहा है? क्या हो रहा है? हम किसी और को खोना नहीं चाहते। देखो, उसकी फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएगा। इसे खुला नहीं छोड़ सकता। पॉल, क्या है? पॉल, चलो दरवाजा खोलो, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा, यहां काफी खतरा है। पॉल, क्या है? कम ऑन, जल्दी करो, हमें यहां से जाना है। ये क्या मुसीबत है? चलो पॉल, बकवास है यहां, कुछ नहीं हो सकता इस ट्रेन का। पॉल, पॉल, अरे ये खुल नहीं रहा है,
क्या? ये दरवाजा जाम हो गया है। ये मुझसे खुल नहीं रहा है। बस बहुत हुआ। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत देर से अंदर बंद है। भागल मत। सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। आखिर ये है क्या? ये आदमी है, मगर इसके पैर, इसके दांत,
किसी कुत्ते जैसे या फिर किसी भेड़िया जैसे। क्या? मैं तो बस कह रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको दिखाई नहीं देता हमारे सामने एक खूंखार भेड़िया है। क्या पूनम की रात चांदी की बुलेट जैसी कोई बात है? नहीं, मगर उसके पैर देखिए, बिल्कुल भेड़िए जैसे। इसके आंखें, इसके दांत, ये जो भी है, ये आदमी और भेड़िए के बीच का कोई मिला जुला रूप लगता है। इसने अंगूठी पहनी है, देखो। ये कभी हमारे जैसा था? शायद शारीरिक परिवर्तन है या फिर कोई बीमारी जो जानवरों की वजह से होती है। या किसी ने काटा हो। तुम लोग उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे जब थॉर्नटन फॉरेस्ट रेल हादसा हुआ था 1963 में। रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। हादसा यहीं पर हुआ था। जब इमरजेंसी सर्विस वहां पहुंची, वहां पर कोई नहीं बचा था। उन्होंने जो वहां देखा वो काफी डरावना था। उन्हें वहां जानवरों की खाई हुई कुछ बॉडीज मिली और कुछ तो मिली भी नहीं। वहां क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। उस वक्त तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि यह हादसा नहीं हुआ। तो ऐसा पहले भी हो चुका है? तो क्या हुआ, अब तो उसे मार दिया है ना? जेनी, ये भी बदल रही है। जेनी, क्या हुआ तुम्हें? ये भी उन जैसी ही बन गई। दूर रहो इससे, ये बीमार है। नहीं, बीमार नहीं है, ये भी उन जैसी ही बन गई है। क्या किसी को दिख नहीं रहा? अगर हमें जिंदा रहना है तो इसे मरना होगा। तुमने अगर मेरी जेनी को हाथ भी लगाया तो अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सामने से हट जा। उठे, दूर रहो समझे, प्लीज। ठीक है। अपनी जगह पर बैठ जाइए सर। गेट, मुझे बचा लो। जेनी, सब ठीक है। गेट, मुझे बचा लो प्लीज। थैंक यू। मुझे बेल्ट दो। क्या? मुझे अपना बेल्ट दो। ठीक है, बांध दो इसे। हाँ हाँ, जरूर। उन्हें भी। जो, हम यहां नहीं रह सकते। हम रहेंगे भी नहीं।
पहले भी कर चुकी हो, घटिया औरत। लीक को ठीक करना होगा, अगर फ्यूल बचा होगा तो काम बन जाएगा। बस इतना चाहिए कि जंगल से बाहर निकल जाए। पर जाएगा कौन? मैं, ये काम सिर्फ मैं जानता हूँ। कोई साथ चले तो अच्छा होगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, काम पर लग जा। ओह, तो अब एक बच्चा इस ट्रेन को ठीक करेगा, क्यों? मैं इंजिन्स के बारे में जानता हूँ। वाकई? मैं इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ, इसीलिए शहर जा रहा था। क्या बात? बहुत हुआ। नहीं 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 नहीं, नजर रखो। जरूर। चलो चले। इंजन लाइट्स ये हरी हो जाएंगी, मतलब मैंने लीक ठीक कर दिया है। फ्यूल गेज, जब ये सुई ऊपर होगी तुम्हें इग्निशन को ऑन कर देना है, और फिर यहां पर ये मेन लाइट चल जानी चाहिए। बस यही? अभी नहीं, तुम्हें पंप रेडी करना होगा। इसे नीचे खींचना जोर से, इस कॉलम पर फॉरवर्ड एंगेज करना है, फिर एक्सेलरेटर दबाना है, आराम से धीरे धीरे। उसके बाद हम इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं वक्त रहते वापस आ गया तो डिनर सबको मेरी तरफ से। वो बात सच थी तुम्हारे इंटरव्यू की? हाँ सच ही थी, पर मैंने देखा तुमने अपनी जैकेट और टाई कचरे में फेंक दी। वो कहते हैं कि मैं अंडर क्वालिफाइड हूं। देखते हैं वो सही है या गलत। जो मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों को बता देना चाहिए। मैं आपका गार्ड बोल रहा हूं। आज जो देरी हुई उसके लिए आप सभी से दोबारा माफी मांगना चाहता हूं। कुछ घंटे पहले तक हम अजनबी थे, आप में से कई सोचते होंगे वही अच्छा था, पर अब हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े करेंगे, एक साथ सब मिलकर। मैं जानता हूं आप सब घर जाना चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं। अगला स्टेशन ईस्टपुरा। रेडी? हाँ। रोशनी दिखाओ आराम से। शायद यहां पर है। चौकन्ने रहना, ठीक है? तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना है ना? कौन हो तुम? मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही थी, शायद ये 3 साल पुरानी बात है।
मैं नॉर्टन एंड प्राइस ब्रोकर्स में इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे लगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में मजा आता है ना? एक मिनट, तुम इंटरव्यू में कामयाब नहीं हुई थी, है ना? मुझ में काबिलियत बहुत थी, पर तुम्हें मुझे घर ले जाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। भूल गए क्या? ओह हाँ, तुमने सही कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, पर मैं तुम जैसों को खूब जानता हूं। ओ, सच में? तुम एक दिन मेरे ऑफिस में आई थी, जोश से भारी हुई, कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार, और फिर कुछ सालों के बाद तुम 9 महीनों के लिए गायब हो गई, और जब वापस आई तो हमेशा थकी थकी बेजान, बिल्कुल टूटी हुई। असल में डिलीवरी के बाद का मोटापा तुम्हारी तरक्की के रास्ते को और मुश्किल बना रहा था। जोश बिल्कुल गायब था। कमीने इंसान, मुझे तुम्हारी बीवी पर तरस आता है। वाह, उसकी फिक्र तुम मत करो। अच्छा हुआ तुम्हारे बच्चे नहीं है, वरना वो भी बर्बाद हो जाते। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। सच्चाई का सामना कीजिए अंकल, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। इन्हें बस हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, वो लोग इन्हें ठीक कर देंगे। अगर हमने अभी इनका कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। जो, वैसे ये बताओ कि तुम वो बकवास प्रमोशन चाहते क्यों थे? पता नहीं, सोचा बड़ी पोस्ट होगी तो लोग मुझसे इंप्रेस होंगे। तुम जो करते हो वो जरूरी है, वो नहीं जो तुम्हारी पोस्ट कहती है। तुमने उन लोगों की मदद की, हम सबकी मदद की। आज रात के बाद अपना करियर बदलने की सोच रहा हूं। यार ली कहां है? कम ऑन मैथ्यू, क्या हुआ? मुझे वो टेप दो। लीक मिल गया और वो कहते हैं मैं अंडर क्वालिफाइड हूं। हाँ, मुझे वो पाना दो। हाँ ये लो, सब ठीक है ना? ओके, चलो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर कुल्हाड़ी हाथ में आते ही इतना गुस्सा मुझे आज तक नहीं आया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बचाओ! नाथ्यू, रोशनी दिखाओ। नाथ्यू, रोशनी इधर दिखाओ। मैथ्यू, तुम कहां जा रहे हो? क्या आफत है? हेलो, कौन है?
कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ सब सब कुछ एकदम अचानक से हो गया। कहाँ हो तुम? लाइट्स ऑन हो गई हैं। ओके, फ्यूल। फ्यूल, इग्निशन, इग्निशन। उसके बाद क्या करना है? पंप। हाँ, पंप तैयार करना है। गैस। ओके, रेडी है। रुकते हैं, उनके लिए रुकना होगा। कम ऑन बेबी। Come on.
अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे मार नहीं था तो उससे क्यों बचाया? चलो मारो मुझे। केट कहाँ है? केट कहाँ है? वो भी जिंदा होती अगर तुमने मुझे बांधा नहीं होता। जाएंगे जंगल में। अब बचने का कोई चांस नहीं। ओके। मैं बचूंगा और तुम उनकी खुराक बनोगे। तुझे नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं औरत। तुम्हें अभी लगता है कि तुम लोग बच जाओगे? चलो कुछ तो मर्दानगी आई तुम्हें और तुमने इस चुनौती का सामना किया है ना जो? तुम्हें लगता है कि अब तुम उन भेड़ियों से बच गए हो क्यों? Come on!
साथ में चलो जो, चलो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत देर हो गई है। नहीं जो, चलो जो। नहीं, जो प्लीज ये नहीं करो, जो, जो प्लीज, चलो जो, जो प्लीज। जो चलो। जो चलो साथ में, जो मेरे साथ, जो, जो नहीं, जो, 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 चलो जो। तुम्हें जाना होगा, go. जो आने प्लीज जो। भागो, हेलेन भागो। जाओ। जो चलो। जाओ। जो। जो। सबसे पहले तो मैं इस जंगल को खरीदूंगा और जलाकर खाक कर दूंगा। कौन है वहां? वहां कौन है? कौन है वहां? जाओ, कहाँ हो मेरे दोस्त? जो strength all your time, a chosen soul.